नमस्कार दोस्तों, तो आज हम समझेंगे ट्रेंच ड्रेन कैसे लगाया जाता है। कहीं कहीं पर प्लम्बर का खुद लगाना होता है, कहीं कहीं पर सिविल वाला भी लगा के देता है। तो यहाँ पे हम लोग को खुद लगाना पड़ रहा है, तो इसलिए प्लम्बर को भी इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कैसे लगाना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो आज हम समझेंगे इसके बारे में कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, तो पहले घिस लेना होगा साइड में, क्योंकि हम लोग को लेवल बराबर होना चाहिए। जब हम लगाएंगे ट्रंच ड्रेन तो लेवल हमारा बराबर रहना चाहिए, कहीं पे नीचे कहीं पे ऊपर ऐसा नहीं रहना चाहिए, पूरा बराबर रहना चाहिए। तो इसको नीचे हम घिस लेंगे और ट्रंच ड्रेन जो हम लगाते हैं वो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। इस तरह से एक धागा रख लेंगे, धागा रख के हम मार्किंग कर लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे और फिनिशिंग लेवल से हमारा हाफ सेंटी डाउन रखेंगे इसको, जैसे कि पानी अगर आए तो पानी उसमें रुके ना, बराबर चले जाए। और जब हम इसको फिट कर लेंगे तो इसको क्या करेंगे, दोनों साइड रॉड डाल देंगे, स्टील डाल देंगे तो और मज़बूत हो जाएगा हमारा ये। स्टील डाल के और इसको हार्ड सीमेंट बना के इसको फिल कर देना है। तो ये हमारा ट्रंच ड्रेन जो लगता है, आपको रैंप में भी लगता है, नहीं तो सेफ, या हमारा डोमेस्टिक टैंक हो गया, फायर का टैंक हो गया, या हमारा होल्डिंग टैंक हो गया, ऐसे जगह में लगता है ये, और भी जगह में लगता है, रोड साइड में भी कितना जगह में देखा हूँ लगाया हुआ। तो आप अगर प्लम्बर है तो आपको वही सेफ्टी, सॉरी, ये हमारा डोमेस्टिक पंप हो, फायर पंप हो, या रैंप के पास ऐसे लगाना होता है। बहुत सारा जगह में ये सिविल वाला भी लगा देता है, बहुत सारा जगह हम लोग खुद लगाना होता है। तो जब लगाएंगे तो इसके ऊपर ऐसे पैर रख के बराबर इसको देख लेना है, ये ऐसे टक टक ये साउंड ना आए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए इसमें, मतलब कोई भी ऐसा टक टक ऐसा साउंड नहीं आए। इसके ऊपर चल के देख लेंगे कि बराबर है कि नहीं, और इसको दोनों तरफ से मसाला बिल्कुल अच्छा से इसको फिल कर देंगे, सीमेंटी अच्छा सीमेंटी डाल के इसको फिल कर देंगे और फिल करके पूरा फिनिशिंग इसको रखेंगे हम ऐसे, पूरा रॉड से अंदर डाल देना है, अंदर भी स्टील डालना है, ऐसे जो हम लोग डाला है स्टील सेम ऐसे स्टील डालना है अंदर में, और इसी तरह से हमारा ट्रंच लगाया जाता है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, हमको भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, और हमारा चैनल पे आपको बहुत सारा प्लम्बिंग से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, बहुत सारा आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, प्लम्बिंग से रिलेटेड बहुत बनाए हूँ और आपको मिलता रहेगा बराबर। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को प्लम्बिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।